गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तो सभी छात्र देखें। इसमें प्रश्नावली 3.3 में पहला क्वेश्चन है, हमको इसका मान ज्ञात करना है और इसको -1/2 सिद्ध करना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट साइड कितना है, साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। ठीक है, तो साइन π/6 कितना होता है, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो यहां कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos π/3। cos π/3 मीन्स cos 60। cos 60 का मान कितना होता है, यह भी 1/2 होता है, इसका स्क्वायर। और tan π/4, tan π/4 यानी कि tan 45, और tan 45 का मान होता है 1। तो हम देखते हैं, ये हो जाएगा 1/4 -1, इसका मान हो गया 1/2 -1, और ये आता है -1/2। ये कितना आपका राइट हैंड साइड आ गया, क्लियर। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हैं। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया हुआ है, 2 sin² π/6 प्लस cos² 7π/6 इंटू cos² π/3। तो इसको हम देखते हैं कि 2 sin π/6, sin π/6 1/2 होता है, तो यहां आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर cosec 7π/6। तो यहां आप देखेंगे cosec² ये हो जाएगा आपका π+π/6 इंटू cos² π/3। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1/4। और यहां पर हम देखते हैं कि cos 180 प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस cos थीटा। तो यहां जो वैल्यू आएगी -2 का होल स्क्वायर, क्लियर। और cos π/3 होता है 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हम देखते हैं 2 से 4 कैंसिल होगा, तो 1/2 प्लस 4 × 1/4, 4 और 4 कैंसल, कितना आ गया, 1/2 + 1 = 3/2। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, क्लियर। तो हमने दोनों क्वेश्चन कर दिए, इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको इसमें sin 75 का मान ज्ञात करना है। तो यहां देखिए, साइन पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, sin 75 = sin 45 + 30। ठीक है, अब इसको आप सूत्र कौन सा लगाएंगे, आपको हमने फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला है, sin A + B = sin A cos B + cos A sin B, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला का यूज करके हम यहां पर A के स्थान पर 45 रख देंगे
और बी के स्थान पर ए कितना रख देंगे 45 और बी कितना रख देंगे 30 रखने पर इसका मान कितना हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 और कॉस 30 कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 45 कितना होता है 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। तो हम इसमें देखते हैं 1/√2 कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा √3/2 प्लस 1/2। इसको थोड़ा और सिंपल कर लो तो ये हो जाएगा आपका √3 + 1/√2 क्लियर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टेन 15 तो टेन 15 कितना हो जाएगा आपका टेन 45 - 30 क्लियर। अब आपको फार्मूला हमने लिखा दिए थे सारे, क्या फार्मूला इसका लगेगा इसमें टेन ए माइनस बी इक्वल टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + 10a 10b। अब इस फार्मूले में a इक्वल टू 45 b इक्वल टू 30 रखने पर कितना हो जाएगा टेन 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 + 10 45 10 30। 10 45 कितना होता है 1 और 10 30 कितना होता है 1/√3 1 + 1 × 1/√3 तो ये वैल्यू आ जाएगी √3 - 1/√3 और यहां पर हम √3 ऊपर आ जाएगा और यहां आ जाएगा √3 + 1। √3 और √3 कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू हो गई आपकी √3 - 1 √3 + 1 ये आपका आंसर हो गया। सबको समझ में आया, इसको नोट कर लो और इसको ध्यान से नोट करने के बाद आप अपने मन से करिए इसको बिना देखे हुए और फिर आप देखोगे अगर कोई दिक्कत आ रही तो फिर आप वीडियो देखें और फिर देख चेक करें और फिर करें जब तक कि आपसे स्वयं बनने लगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें आप देखना कि एक फार्म ये होता है कॉस ए कॉस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल होता है कॉस ए प्लस बी। अब इस सूत्र में इस फॉर्मूला में ए बराबर पाई बाई 4 माइनस एक्स और बी बराबर पाई बाई 4 माइनस वाई रखने पर तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा
cos 5 by 4 minus x cos 5 by 4 minus y minus sin 5 by 4 minus x sin 5 by 4 minus y. तो यह जो इक्वल आएगा आपका cos, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 5 बाई 4 माइनस एक्स प्लस 5 बाई 4 माइनस वाई. यह इक्वल आ जाएगा आपका cos 5 बाई 4 और 5 बाई 4 कितना हो गया मिलके 5 बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई. अब आपको पता है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, ये हम जानते हैं. तो इसके आधार पर इसका मान कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई. और ये कितना आ गया आपका, ये आपका सिद्ध हो गया, राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव्ड. क्लियर? तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे. अब हम आगे कुछ अब आपको सेवेंथ क्वेश्चन इसको करना है. तो इसको बहुत ही सिंपल है, चलिए करते इसको भी. तो आप एक क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स. इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स. टेन है, अब यहां पर लगेगा टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, यहां हो जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स. इसको सरल करिए, टेन पाई बाई फोर कितना होता है, वन प्लस टेन एक्स, ये कितना हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स. और इसी को हम जब 10 पाई बाई फोर वन रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स वन माइनस टेन एक्स. और इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स वन माइनस टेन एक्स इसका होल स्क्वायर, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया. क्लियर? तो इसको नोट कर लो. और इस तरह के और भी इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सभी को हल करके आपको दिखाना है नोट्स बना करके.